दिसंबर को संलग्न जश्न मनाया। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को बुलाया, करोड़ों रुपये उसमें खर्च किए गए, 450 गाड़ियों का 6-4 प्राइवेट बसों को लगाया गया। लेकिन अमित शाह के आने पर और अमित शाह के भाषण में सिर्फ जयराम की पीठ थपथपाने के अलावा कोई उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए घोषणा नहीं की, और ये एक झूठ जरूर बोल गए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है का दर्जा हमने दिया है। लेकिन ये दर्जा जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त जब स्टेटहुड मिला तो वह स्पेशल कैटेगरी स्टेट रखा। 90-10 जो है 90% केंद्र सरकार देगी, 10% भारत सरकार देगी, 10% हिमाचल सरकार देगी। उसको उन्होंने 50-50 कर दिया। अभी भी 50-50 है, चाहे ये स्मार्ट सिटी धर्मशाला बनाई, 50% प्रदेश सरकार दे रही है, 50% केंद्र सरकार दे रही है। स्मार्ट सिटी सुनो बनाई 50% के आधार से चल रहा है, तो ये बातें सारी गलत है। फिर कहा कि जो नेशनल हाईवे की डीपीआरें तैयार हो गई है, आप बताएं कितने डीपीआरें तैयार हुई है? कोई डीपीआर तैयार नहीं हुई है। गडकरी ने 69 नेशनल हाईवे डिक्लेयर किए, एक भी जो है जमीन पर नहीं उतरा है, एक भी सेंक्शन नहीं किया गया है। तब ये दुख इस बात का है कि ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने में माहिर है। पहले एक साल हुआ तो मोदी जी को धर्मशाला बनाया, उसमें भी करोड़ों रुपये खर्च किए गए, मोदी जी ने कोई सौगात हिमाचल प्रदेश को नहीं दी। अब हर साल इस तरह से बनाते रहेंगे, जबकि ये प्रदेश आर्थिक तौर पे पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लगभग 53,000 करोड़ का ऋण जो है इस सरकार पर पड़ चुका है। हर साल जयराम जी हर 3 महीने के बाद जयराम जी 500 करोड़ रुपये उधार ले रहे हैं, तो उधार पर ये मौज मस्ती बनाना इसके हम खिलाफ है। बाकी दूसरा इन्वेस्टर मीट की बात है, इन्वेस्टर मीट में उन्होंने 25-30 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन फायदा क्या हुआ? कहते हैं 95,000 करोड़ रुपये किया, उसमें 32,000 करोड़ तो सतलुज जल विद्युत निगम का है, वो जो प्रोसेस में था ऑलरेडी, नेशनल हाइड्रल पावर कॉरपोरेशन का है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का है, ये तो उसमें तो इन्वेस्टर मीट का हिस्सा नहीं है, जो विदेश में गए उसका हिस्सा नहीं है ये। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब अमित शाह जी आए तो ब्रेकिंग जो है वो कहते हैं 10,000 को है, वो लैंड पे उतर रहे हैं, जमीन पे आ रहे हैं, मुझे उसका भी शक है कि जमीन पे आए कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जयराम सरकार ने हिमाचल को बेचने का अभियान शुरू किया है और कहा कि 3 साल तक किसी भी इन्वेस्टर को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, धारा 118 HP टेनेंसी लैंड रेवेन्यू एक्ट की जरूरत नहीं है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पंचायतों का NOC लेने की जरूरत नहीं है, नगर परिषद का NOC लेने की जरूरत नहीं है, जो सरासर गलत है। किसी भी कानून को ये जो है बाईपास करके जो है इस तरीके से नहीं कर सकते, ऐसी जरूरत भी क्या थी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जयराम सरकार, डॉक्टर परमार हिमाचल के निर्माता थे, 118 धारा का उन्होंने लिख दिया था, तो उसको धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को बेचने का प्रबंध किया जा रहा है। और जयराम सरकार जो है ये अफसरशाही, अफसरों के कहने पर जो है ये काम कर रही है, अपने तौर से कोई काम नहीं हो रहा है। जिससे आज जयराम जी को चाहिए था, जो हमारे मुद्दे हिमाचल प्रदेश में सड़कों की हालत दयनीय है, पर्यटक जो बाहर से आता है वो गाली दे करके जाता है, रस्ताओं में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, आज कृषि विभाग में, PWD विभाग में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा में कितने पद खाली है, उनको भरने का कोई उनका इंतजाम नहीं है, महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं, प्याज जो है 150 रुपये तक प्याज हिमाचल प्रदेश में बिक गया, इसके बारे में कोई ख्याल नहीं है। कहते 2 साल का होगा तब वो हम प्याज लाएंगे और आप कम रेट पे दे दीजिए, वो भी फेल हुआ है इनकी स्कीम। 3 महीने से दालें जो है हमारे उपलब्ध नहीं है, डिपो में दालें उपलब्ध नहीं, कीमतें दालों की बढ़ा दी है। आज गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर 714 रुपये में बिक रहा है, जबकि मनमोहन सिंह के टाइम में 350 रुपये का गैस सिलेंडर बिकता था, तब मोदी कहता था बड़ा महंगा है।
आज डीजल पेट्रोल लगातार उसकी महंगाई बढ़ रही है, ये सरकार पूरी तरह फेल हुई है। दो साल इनका बहुत ही हताशा का रहा, निराशा का रहा, और लोग जो है इनकी कथनी और करनी में फर्क जान गए हैं। मोदी जी को जो है केंद्रता जरूरी है, देश की समस्याओं का ख्याल नहीं है। मोदी जी को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जरूरी है, मोदी जी को धारा 370 का जरूरी थी, मोदी जी को NRC जरूरी है, जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर एजिटेशन हो रही है, इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। इसलिए जयराम जी को मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने जिले का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें, ना कि आप मुख्यमंत्री राज्य चुनाव क्षेत्र के, आप पूरे जिले के, पूरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल का समान विकास करें।